यार इसको कॉलेज मिला भी है या नहीं? मतलब कितना दिन हो गया है, काउंसलिंग खत्म होने को है, अभी तक कोई कॉलेज के बारे में कुछ बोला भी नहीं। मतलब ऐसे ही आके यूट्यूब में आके ज्ञान तो बहुत फैल रहा है, लेकिन कॉलेज वगैरह कुछ मिला नहीं है। हेलो एवरीवन गाइस, आई एम तथागत माझा। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माई चैनल बायोलॉजी विद ब्रदर। तो आज मैं यार इस वीडियो पे मेरा कॉलेज आप लोगों के साथ रिवील करने वाला हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि मुझे कौन सा कॉलेज मिला है। क्योंकि आप में से काफी सारे लोगों को तो अब तक ऐसा हो रहा होगा कि यार इसको कॉलेज मिला भी है या नहीं। मतलब कितना दिन हो गया है, काउंसलिंग खत्म होने को है, अभी तक कोई कॉलेज के बारे में कुछ बोला भी नहीं। मतलब ऐसे ही आके यूट्यूब में आके ज्ञान तो बहुत फैल रहा है, लेकिन कॉलेज वगैरह कुछ मिला नहीं है। ऐसा आप में से काफी सारे लोगों को लगना चालू हो गया होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे कॉलेज के बारे में एक वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं। तो हाँ, फाइनली मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। तो मुझे, मैंने वेस्ट बंगाल के जो स्टेट कोटा के जो काउंसलिंग होता है तो उसमें पार्टिसिपेट किया, और स्टेट कोटा से मुझे कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड सागर दत्ता हॉस्पिटल जो कॉलेज है वो अभी राउंड वन में अलॉट हुआ है। तो ये बेसिकली वेस्ट बंगाल में जनरल स्टूडेंट के हिसाब से देखा जाए तो सिक्स या सेवन जनरली प्रायोरिटी सिक्स में, ज़्यादा मान सकते हैं तो सिक्स प्रायोरिटी में आता है। तो ये वाला कॉलेज मुझे मिला है, मतलब जो कि लोकेटेड है नियर नियर टू कोलकाता, आप मान सकते हैं ऐसा। तो अभी तो राउंड टू हालांकि बाकी है, राउंड टू स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड सागर दत्ता हॉस्पिटल जो कि ऑल्सो नोन एज CMSDH, मतलब शॉर्ट फॉर्म से अगर हम देखें तो, ये वाला कॉलेज मुझे मिला है। तो मैं अभी तक तो डेफिनेटली खुश हूँ कि मुझे ये गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, क्योंकि ये एक रेपुटेड सा काफ़ी रेपुटेड कॉलेज है यहाँ पे, और एक अच्छा कॉलेज है। और जो मेन चीज़ है जो मुझे चाहिए था कि ये एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। एंड फाइनली मैं ये 3 साल के बाद बोल पाऊँगा कि यस, आई एम ए फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट CMSD। तो मतलब थोड़ा बहुत ये प्राउड फीलिंग भी है मेरे अंदर कि फाइनली मेरे जो 3 साल का मेहनत, 3 साल का नहीं हालांकि मैं 2 साल का ही बोलूँगा, तो ये जो 2 साल का मेहनत है वो फाइनली मतलब सफल हो गया, और मुझे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि बहुतों के लिए सपना है वो फाइनली मिल गया है। तो यही है यार, मतलब कुछ ज़्यादा मैं इसके बारे में बोलूँगा नहीं। तो मैं मेरे एकदम डायरेक्ट जो एडमिशन डे था या फिर उसके बाद मैं पहले ही दिन जो पहली बार के लिए मैं कॉलेज में गया तो उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो यार एडमिशन डे तो उतना कुछ खास था नहीं, क्योंकि एडमिशन डे में मैं बहुत देर में कॉलेज में जाके पहुंचा। तो उस दिन उतना कुछ खास मतलब दोस्तों के साथ, दोस्त वगैरह के साथ भी इंटरेक्शन मेरा हो नहीं पाया था, और मतलब कुछ भी नहीं हुआ था। बस किसी तरीके से एडमिशन हो गया था, ऐसे ही बस खत्म हो गया था। तो उसके बाद फिर हमारे कॉलेज के जो रूटीन्स वगैरह, जो ओरिएंटेशन क्लासेस होते हैं वो तो हालांकि इस बार काफ़ी मतलब कम ड्यूरेशन के लिए हुआ, लेकिन ओरिएंटेशन क्लासेस के जो शेड्यूल वगैरह वेबसाइट में रिलीज हुए, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने मतलब मैंने ओरिएंटेशन क्लासेस में गया। मतलब पहले ही दिन जो ओरिएंटेशन क्लासेस के थे तो उसमें मैं गया, और वहाँ पे मतलब काफ़ी एक अच्छा, एक अलग से एटमोसफियर था जो कि मतलब स्कूल वगैरह में एटमोसफियर होते हैं तो उससे काफ़ी डिफरेंट था। मतलब वाइब्स ही अलग थे, मतलब जहाँ भी रास्ते में जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि कोई भी व्हाइट कोट या फिर एप्रन में जा रहा है, कोई कोई तो ऐसे स्टेथोस्कोप लेके भी जा रहा है। मतलब लग रहा है कि हाँ ये एक डॉक्टर है, एक मेडिकल कॉलेज में आ गए हैं। तो ऐसे टाइप के जो फीलिंग्स है वो मतलब आ रहा था। तो तभी तो मतलब कुछ भी डिपार्टमेंट्स कहाँ है, कहाँ एकेडमिक बिल्डिंग है, कहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, कुछ पता नहीं था। तो फिर ऐसे ही ढूंढते ढूंढते वहाँ पे जो हमारे जो क्लास थे तो वहाँ पे हम गए, वहाँ पे कुछ टीचर्स ने हम स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट वगैरह किया। वहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना था, वहाँ पे हर एक स्टूडेंट ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, मैंने भी किया। और फिर टीचर्स लोग, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स है फर्स्ट ईयर के, तो उन्होंने टीचर मतलब प्रोफेसर्स, HOD वगैरह सर ने, हर एक लोगों ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, हमने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। फिर वहाँ पे हमारा एक क्लास था जिस क्लास में बेसिकली जो पूरे जो ये 5.5 साल का जो MBBS का कैरिकुलम जो है वो हमें समझाया गया कि हाँ यार आपके लिए फर्स्ट प्रोफेशनल में आपको ये चीज़ें पढ़ने हैं, सेकंड प्रोफेशनल में ये पढ़ने हैं, तो ये पूरा जो कैरिकुलम है, कब इंटरनल एग्जाम होगा, तो ये सब हमें समझाया गया बेसिकली। तो
तो उसके बाद हमें मतलब डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स है कॉलेज में, आप हॉस्पिटल में भी कह सकते हैं क्योंकि कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों ही सेम कैंपस में वहाँ पे था CMSDH में, तो वहाँ पे डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट, ये सब हमें घुमाया गया। हालांकि उतने अच्छे से तो घुमाया नहीं गया क्योंकि हमारे जो इमीडिएट सीनियर्स जो है उनके तब एग्जाम चल रहे थे, तब उनके जो फर्स्ट प्रोफेशनल जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं तो वो उनके चल रहे थे, तो इसलिए उतना ज़्यादा तो मतलब हमें चारों तरफ घुमा नहीं सके थे। लेकिन हमें मतलब जो बेसिक जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे तो वो घुमाया गया। फिर हमें जो लैब्स हैं उन लैब्स में ले जाया गया, वहाँ पे हमने लैब्स वगैरह देखे, लैब्स में मतलब काफ़ी एक अलग सा एटमोसफियर था। मतलब हम लोग स्कूल लेवल पे जो लैब्स वगैरह हम लोग देखे होते तो उससे तो बहुत डिफरेंट होगा, डेफिनेटली डिफरेंट होगा। तो लैब्स वगैरह हमें दिखाया गया, मतलब माइक्रोस्कोप वगैरह देखा, बहुत कुछ मतलब बायोकेमिस्ट्री का लैब देखा, फिर एनाटॉमी का म्यूजियम हालांकि उस दिन बंद था वरना वो भी हमें दिखाया जाता। तो यही सब कुछ था, मतलब एक काफ़ी अलग सा एक एनवायरनमेंट था और मतलब काफ़ी एक अलग सा फील भी हो रहा था उस दिन अपने अंदर कि हाँ मतलब तीन साल जो था 2019, 2020, 2021 जो तीन साल मेनली दो साल का जो मेहनत है, ये मेहनत किस लिए कर रहे थे? वो मेहनत इसी चीज़ के लिए कर रहे थे, ऐसे ही किसी मेडिकल कॉलेज में आने के लिए कर रहे थे। तो ये सब कुछ मतलब थोड़ा उस दिन का जो मूड था वो कुछ अलग ही था, मतलब उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी कि कैसा था। तो फिर वो सब होने के बाद हमें बताया गया कि आज और कुछ ज़्यादा होगा नहीं है, होगा नहीं है, आप लोग अगर चाहो तो मतलब अपने हिसाब से पूरा जो कॉलेज है वो घूम सकते हो। तो हम लोग ऐसे अपने दोस्तों के ग्रुप बना के तो हम लोग घूमना चालू कर दिया। तो हम लोग डिफरेंट जो LTs है, लेक्चर थिएटर्स जो है, तो ऑडिटोरियम वगैरह वो सब बस बेसिक हमने देखा ऐसे, मतलब वो चारों तरफ हमने पूरा कॉलेज कैंपस को एकदम मतलब A to Z पूरा हमने घूम लिया। तो ये चीज़ है कि ये कॉलेज का जो कैंपस है वो मतलब उतना बड़ा नहीं है, वो आप अगर आपके पास सफिशियंट टाइम है, मतलब थोड़ा बहुत टाइम है, तो आप उसको पूरा घूम सकते हो। और स्पेसिफिकली कैंपस के बारे में अगर बताया जाए तो कैंपस में आई थिंक 3 तालाब है, तो मतलब कैंपस बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब उसको मतलब इन्हें वर्ड अगर कहना पड़ेगा तो वो डेफिनेटली ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया कैंपस है। मतलब कॉलेज के जो बिल्डिंग वगैरह है मतलब काफ़ी नए हैं, उतना पुराने नहीं है, पुराने नहीं दिखते एटलीस्ट, और काफ़ी मतलब बहुत ही बढ़िया था वहाँ पे। तो ऐसे ही हम लोग घूमते घूमते डिफरेंट जो कैंटीन्स वगैरह देखा, और पूरा जो मतलब वो जो कॉलेज का एम्बियंस जो है वो ही मतलब काफ़ी अलग था, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा अलग था। और फिर हमने मतलब पिक्चर वगैरह लिया, कॉलेज का भी कुछ पिक्चर वगैरह लिया, तो मतलब वो जो दिन था बहुत ज़्यादा मेमोरेबल दिन था, मतलब वो हम लोग भूल नहीं सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि मतलब 3 साल 4 साल 5 साल इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली उस कॉलेज में जाके पहुँचा, तो उसका इतने सालों का मेहनत का जो नतीजा है वो उसको मिल रहा है, तो मतलब वो मतलब अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं। तो उसी मतलब ऐसे ही करके हमारा जो पूरा जो पहला दिन था वो पहले दिन ऐसे ही एंड हुआ था। मतलब काफ़ी एक पॉजिटिव वाइब्स मिला था कि हाँ चलो हम यहाँ पे आ रहे हैं, और फाइनली मतलब फाइनली बहुत सालों के बाद, मतलब स्पेसिफिकली 3 सालों के बाद 2019 नीट से जो जिसके लिए हम लोग मतलब मैं पर्सनली मेहनत कर रहा था, जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे, तो वो हमें मिला। और मतलब फाइनली ऑफिशियली मैं कह सकता था कि हाँ मैं फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट CMSDH। तो मतलब ये फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा आपको कि ये फीलिंग कैसा है। अगर आप लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यार मैं आपसे बोलूँगा कि मतलब जी जान लगा के मेहनत कर लो। इसके बाद जब मतलब वो जो पहले दिन जब कॉलेज में एंटर करोगे तो उसका जो फीलिंग है, मतलब एक अलग ही एम्बियंस है, उसका जो फीलिंग है वो मतलब मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। जब आप पहुँचोगे कॉलेज में तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। हालांकि अभी मतलब बाकी कैसा होगा कॉलेज में, मतलब सीनियर के साथ जूनियर का इंट्रोडक्शन वगैरह, इंट्रो सेशन जो होगा वो कैसे होगा वो तो अभी हमें पता नहीं है, तो वो तो बाद की बात है, वो फ्यूचर की बात है, वो बाद में सोचेंगे। तो अभी मतलब ऑफिशियली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ CMSDH एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट, आई एम डेफिनेटली प्राउड ऑफ दैट। ये वीडियो फिलहाल यही तक था, मैं ज़्यादा कुछ इसमें बोलूँगा नहीं, तो मैंने सोचा कि मेरे जो कॉलेज के बारे में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना।
थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पीपल।